अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबी काज़मी, आपका होस्ट। नाज़रीन, वेस्ट इंडीज़ से मैच हारने के बाद कप्तान सरफराज अहमद का एक इंटरव्यू देखा। हम लोग बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं, लोग मायूस हो जाते हैं, फौरन दिल छोड़ जाते हैं, अपने टीवी तोड़ देते हैं। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जो लड़के ग्राउंड में खेलते हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसमें कोई शक नहीं, उन्हें तनख्वाहें मिलती हैं, अमरात मिलती हैं, लेकिन गैर मुल्की टीमें आती नहीं, ये लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, उनके सामने कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट उस तरह नहीं होता। ऊपर से आप तनकीद के नश्तर जब उन्हें चुभोते हैं तो जो रही सही कसर है वो भी निकल जाती है। अगर आपने तनकीद करनी है, इंतज़ार करें टूर्नामेंट ख़त्म होने का, उसके बाद जितना मर्जी पोस्टमार्टम करें। ड्यूरिंग द गेम, ड्यूरिंग द फाइट कभी भी किसी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालते, उन्हें परफॉर्म करने देते हैं, इसलिए कि ताकि उनकी जो सलाहियत है वो बाहर निखर कर आए। 2020 का T20 वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीते और T20 वर्ल्ड का चैंपियन बने। ICC T20 वर्ल्ड कप के जो CEO निक क्लियन से मेरा इंटरव्यू हुआ, बात हुई। दो चीज़ों पर हम यहाँ काम कर रहे हैं, एक किसी तरीके से गैर मुल्की टीमों को पाकिस्तान ले जाने की कोशिश, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमारा काम है कोशिश करना और वो इंशाल्लाह करते रहेंगे। दूसरी चीज़ जो इस इंटरव्यू में भी मेंशन हुई वो ये कि हम लोग एज अ कम्युनिटी यहाँ पर स्पोर्ट्स में, ख़ास तौर पर क्रिकेट में, उस तरह आगे नहीं है जिस तरह बाकी कम्युनिटीज़ हैं। तो हमें आगे बढ़कर यहाँ ख़ास तौर पर जो ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी हैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि दो चीज़ों पर आप भी काम करें। एक, कन्विंस करें लोगों को कि वो क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान का रुख करें, क्लब क्रिकेट हो चाहे जिस लेवल की भी क्रिकेट हो, ताकि हमारे इन प्लेयर्स का हौसला बढ़े। और दूसरी चीज़ है जो वर्ल्ड कप T20 का यहाँ ऑस्ट्रेलिया में होगा उसके लिए कम्युनिटी में कुछ मूवमेंट पैदा करें ताकि हमारे लोग भी सामने आएँ। मैं जब वहाँ गया तो और हर तरह की कम्युनिटी के लोग वहाँ मौजूद थे, हम लोग बहुत थोड़े से थे। तो कोशिश करें कि हमारे लोग भी आगे आएँ, कम्युनिटी को प्रेजेंट करें, ICC तक पहुँचें, ताकि हमारी भी बात सुनी जाए और फैसले इस तरह के हों जो हमारे काम के हों। चले आएँ, आज आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद निक हॉकली जो ICC T20 के वर्ल्ड कप के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनसे बात करते हैं, मेरे साथ रहे, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। I have Nick Hockley, Chief Executive Officer of ICC 20 World Cup, Cricket Australia, next to me. He's got a lot of plans. Let's talk to him. Nick, thank you for giving us time. My pleasure. Such a great gathering here. You have portrayed a lot of plans. Big events coming. Are you excited? Oh, so excited. 2020, two World Cups, the whole world's coming. It's going to be massive. A lot of work needs to be done. 8 nations and stadiums and planning. So, too much to do. Well, Australia's blessed with amazing, incredible venues. We've got the largest cricket ground in the world here in Melbourne, over the road. So the stage is set, and now we just want all of the fans to turn out, support their teams, support the best players in the world. Everyone loves T20. It's going to be huge. They say sports always unite communities. Cricket, especially in subcontinent region, 1.2 billion, almost Indian, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, all of them. Are you excited to see all of them together, especially this time? Absolutely. We've got amazing, vibrant communities here in Australia, and we can't wait for all those communities to turn out and support their heroes. We saw back in 92, Pakistan beat England in the World Cup final. Incredible, incredible scenes. And we can't wait to see what happens in 2020, both for the women's and the men's. I can hear a British accent in you, and especially you're born in Australia, and I think. And it's a biased question, Nick, but this trophy, what do you think? Where it's going to go? Well, I think what's great is that it's really competitive at the moment. Australia's obviously been very successful on the women's game. They've won 4 out of 6. The Australians men team have never won a T20 World Cup, so the pressure will be on them. But I think we'll see some great competition. And in T20, we see lots of upsets. What's your message to the communities there, those who will be watching, particularly Pakistani community? We just can't wait to see all the passionate fans come to the matches, supporting their heroes, supporting their players, and we just want to say you're really, really, really welcome. We can't wait for you to be involved. Last thing, Nick, in Pakistan, people are actually, recently we had a really successful PSL launched. Now they're hoping that Australian cricket team and the players will go and play because, you know, we bleed green. That's what they call about cricket. You reckon in future, coming future, Australia and the players will be definitely visiting Pakistan to play some sort of cricket to give the fans what they want? I know it's tricky, but anything? Yeah, no, it's tricky. I think cricket is a game that brings everyone together, and
And I think what we're looking forward to is that the whole world, so 10 women's teams, 16 men's teams, all coming to Australia in 2020, and hopefully that can be the start of everyone all coming together and playing as seeing the best players play in the world as much as possible. Definitely, you're operating very well, Nick, and I'm sure that this event and the next event is going to be very popular, very famous. Pakistani community especially, which I represent, they will definitely support you. Okay. Thank you so Thanks much for your time. Thanks so much for your support. Thank you. No, take care. Brilliant. Thanks, Nick.